मैं ऑनलाइन बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और हमेशा वेजिटेरियन बिरयानी के लिए लोग बोलते हैं कि भाई ये तो पुलाव है, भाई ये तो पुलाव है। लेकिन इस रेसिपी में आप ये गोभी बिरयानी एक बार ट्राई करके देखना। इसमें जो हमने दम टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जो दम कुकिंग करी है, उससे गोभी दिखने में तो लग रहा है कि एकदम सेट है, लेकिन ये पुलाव की तरह नहीं है, ये बिरयानी है। तो आप गोभी का टेक्सचर देखो, हल्का सा प्रेस करते ही कैसे एकदम सॉफ्ट सी बन गई, एकदम इतनी नरम है। और गोभी नहीं, आलू हो, गाजर हो, कोई भी चीज हो, यही तो दम कुकिंग की बात है। दोस्तों आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी ये नई रेसिपी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये अलग टाइप की गोभी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोभी का फूल लिया है, उसको बड़े बड़े पीसेस में काटा है, ध्यान रहे छोटे पीसेस में मत काटना यहाँ पर। और उसको सबसे पहले हम यहाँ पर उबालेंगे। तो पानी आप चढ़ाना भगोने में, 1 लीटर पानी में आपने नमक डालना है लगभग 1 टेबल स्पून। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर अपना सीक्रेट इन्ग्रीडियंट डाला है, वो है विनेगर। दोस्तों विनेगर डालने से एक ऐसी चीज़ होगी जिससे कि गोभी जब हम पकाएंगे तो बिल्कुल भी मैशी नहीं बनेगी, मतलब अपना स्ट्रक्चर होल्ड करके रखेगी, वही हम चाहते हैं। जैसे ही पानी बॉईल होने लग जाए आप यहाँ पर फ्लोरेट्स वाली गोभी डाल देना। आप देख सकते हो गोभी को मैंने बहुत छोटा नहीं काटा है, मैंने इसको जानबूझ के बड़ा बड़ा ही रखा है। और ऐसे ही आप करना, ये लगभग 2 फूल है, वेट में मैं आपको बताऊं तो वेट में लगभग 1 किलो तक गोभी होगी। इसको आपने 3 मिनट तक बॉईल करना है, 3 से 4 मिनट तक, और उसके बाद आप फटाफट से इसको स्ट्रेन कर देना। आप ध्यान से देखो गोभी को, आप गोभी ऊपर की सरफेस जो होती है उसको देखो। बॉईल करने के बाद अगर मैं इससे एक फ्लैशलाइट थ्रो कर रहा हूँ, इसकी ऊपर की सरफेस हल्की सी पक गई है लेकिन अंदर से ये कच्ची है। दोस्तों ऐसा ही हमें चाहिए, और ये बेसिकली गोभी को साफ भी करेगा और बाद में जब इसको बिरयानी में पकाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट भी आएगा। खैर ये तो हो गई गोभी की बात। गोभी के साथ साथ हमें थोड़े से और सपोर्टिव सब्जियां चाहिए होंगी जो कि हमारी इस वेज बिरयानी का, गोभी बिरयानी का स्वाद और बढ़ाएगी। मैंने आलू लिया है, बीन्स ली है, गाजर ली है, साथ साथ कैप्सिकम भी ली है, मिर्ची ली है और प्याज लिए है जिसका हम बिरिस्ता बनाएंगे। दोस्तों आलूओं को तो आप रफली ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लेना, प्याज क्योंकि हम बिरिस्ता बनाएंगे तो आपको उनको स्लाइसेस में करना है, गाजर को भी आप एकदम रफली काट देना। कैप्सिकम मैंने यहाँ पर आधा इस्तेमाल किया है, आधा ही बहुत होगा, आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, और इसको आप बड़े बड़े पीसेस में काट लेना। मिर्चों को आप हाफ में डिवाइड कर देना, और यही है बेसिक सब्जी। और हाँ बीन्स भी तो है, तो बीन्स को भी बड़े बड़े पीसेस में काट लिया मैंने। अच्छा अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर बीन्स को स्किप कर सकते हो, आप काफ़ी सब्जियों को स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्याज स्किप मत करना, और गोभी तो आप डालोगे ही क्योंकि गोभी बिरयानी है, और आलू भी स्किप मत करना, ये 3 चीज़ें तो ज़रूर रखना। अच्छा साथ साथ आपको चाहिए होगी 1/2 कप दही, और ये थोड़ा सा दूध है जिसमें मैंने केसर डाल के रखा है, खुशबू के लिए और कलर के लिए भी। तो सबसे पहला काम हमें इन सब सब्जियों को मैरिनेशन में डालना है। तो गोभी सारी सब्जियां आप यहाँ पर डाल देना, प्याज को गलती से मत डालना, उसको अलग से ही रखा है मैंने। इसमें आपने यहाँ पर सबसे पहले डालना है हल्दी पाउडर, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर डाला है लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है टाटा संपन्न के लाल मिर्च पाउडर का। टाटा संपन्न का लाल मिर्च पाउडर आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र में उगाई गई मिर्चों से बनाया जाता है, जहाँ की लाल मिर्च सबसे बढ़िया मानी जाती है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है, भाई मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। बिरयानी मसाला आएगा यहाँ पर, नमक बिल्कुल मत भूलना, और आप यहाँ पर दही भी डाल देना, धनिया और पुदीना भी डाल देना। अब दोस्तों मेरे पास तो फ्रेश पुदीना नहीं था, तो मैंने पुदीने के पाउडर का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन मर्जी आपकी है, अगर आपको फ्रेश मिले तो आप फ्रेश ही डालना। धनिया पुदीने से बिरयानी का स्वाद बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। अच्छा मैंने सारी चीज़ें तो मिला दी अच्छे से, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, आप मत भूलना, वो है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का। ये आप यहाँ पर ज़रूर डालना अदरक लहसुन का पेस्ट, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा बिरयानी में। इसको भी अच्छे से मिलाकर 1/2 घंटे के लिए आप रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, गोभी के अंदर तक स्वाद ज़रूर आएगा और सब्जियाँ भी बहुत बढ़िया निकल कर आएंगी। 1/2 घंटे का टाइम है तो फटाफट से चावल भी भिगो लेते हैं। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम चावल लिए, यानी कि 2 कप, 4 लोगों के हिसाब से। आप अच्छे से चावलों को धोना, मैंने बासमती चावलों का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो आप कोई भी लॉन्ग ग्रीन राइस का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से आप वॉश करना, सारा मांड निकाल लेना यानी कि स्टार्च, और इसको भीगने के लिए छोड़ देना मिनिमम 30 मिनट्स के लिए। दोनों काम एक साथ हो गए ना, टाइमिंग दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, आप खुद ही देखना बाद में
ये कितनी बढ़िया टाइमिंग बैठेगी। तो अभी हमारे पास आधा घंटा पड़ा है, तो सबसे पहला काम जो अब हम कर लेते हैं वो ये है कि हम बिरिस्ता बना लेते हैं। तो मैंने हांडी ली है जिसमें मैं बिरयानी बनाऊंगा। उसमें आप पहले थोड़ा सा ज्यादा तेल डालना, अभी ज्यादा डालना, बाद में कम कर देंगे। इस तेल में आपने प्याज को फ्राई करना है बेसिकली, क्योंकि बिरिस्ता चाहिए होता है। फ्राई करने से प्याज में एक अलग ही फ्लेवर आता है। अगर आप ऐसे ही इनको सौते कर लोगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा जो डीप फ्राई करने से आएगा, वो अलग ही नोट लेकर आता है, तो करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर सारे कटे हुए प्याज डाल देना और उनको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपने यहाँ पर फ्राई करना है। सिंपल है ना, बिल्कुल। बीच बीच में आप एक दो बारी स्टर करते रहे ना, हल्का सा जैसी कलर आए ना तो नज़रें नहीं हटनी चाहिए इस हांडी से। अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसलिए नज़र बिल्कुल मत हटाना इस हांडी से। हल्का सा जैसे ही प्याज में कलर आने लग जाए, ये देखो आ गया ना, तो मेरी करछी भी वहीं पर है बिल्कुल। और फटाफट से जैसे ही हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, आप फटाफट से इसको निकाल देना टिश्यू पेपर पे, क्योंकि प्याज में कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर प्याज को तेल में रख दिया। तो दोस्तों अब मैंने क्या किया है कि ये तेल तो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ पर तेल काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि बिरयानी के लिए इतनी तेल की ज़रूरत है ही नहीं। थोड़े बहुत तेल की ज़रूरत है जिसमें हम सब्जियों को भुनेंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी तेल तो मैंने निकाल लिया है, और इतने में आधा घंटा भी हो जाएगा। तो इस तेल में आप जीरा डालना, उसके साथ साथ जो हमने मैरिनेटेड सब्जियां तैयार करी थी ना, वो सारी आप यहाँ पर डाल देना। ध्यान रहे, अगर आपको इसके अंदर फ्लेवर लेकर आना है बहुत बढ़िया, तो आपको गोभी को भुनना पड़ेगा। गोभी ही नहीं बल्कि सारी सब्जियों को भुनना पड़ेगा, जो कि उनकी आउटर सरफेस जो है उसको थोड़ी सी फर्म बनाएगी। तो इसको आप यहाँ पर शुरुआत में ढकना जरा 2 मिनट के लिए, क्योंकि दही है थोड़ा छिटक सकती है। 2 मिनट के लिए ढकना मीडियम फ्लेम पर, फिर आप ढक्कन इसका हटा देना और खुले में आपने पकाना है। बाद में ढक्के मत पकाना भाई, ढक्के तो बाद में दम करेंगे तो पक जाएगा ना आराम से अंदर तक। अभी हम अंदर से नहीं पका रहे गोभी को, अभी बेसिकली बाहर से हम एक कलर लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक भुनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि फ्लेवर्स निकल कर आए गोभी में। दोस्तों आपको बाहर से भुनने में मिनिमम 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। आप इसको बीच बीच में हल्के हाथ से स्टर करना, नहीं तो गोभी के टूटने के चांसेस हो जाएंगे, और गोभी ही तो हमारी स्टार ऑफ द बिरयानी है ना। आप ये देखो हल्का हल्का गोभी पे कलर आ गया है ना, बिल्कुल इस स्टेज तक आपने पकाना है। आपकी दही भी पक जाएगी इतने में, मसाले भी भुन जाएंगे, और गोभी में भी एक स्वाद निकल कर आएगा इन सब्जियों में, जो इसको पुलाव से बहुत ही अलग कर देगा। खैर ये तो हो गई गोभी की बात। अगर मैं इसको घर पे बना रहा होता तो मैं गोभी के साथ साथ ही चावलों को रख देता, लेकिन क्योंकि ये वीडियो है तो मैंने यहाँ पर आपको चावल अलग से दिखाए हैं बॉईल करते हुए। तो एक भगोना लेना है, उसमें 1 लीटर पानी डालना है। जैसे ही ये बॉईल करने लग जाए, आपने यहाँ पर छोटी इलायची डालनी है, तेज पत्ता डालना है, काली मिर्च डालनी है, लौंग डालनी है, दालचीनी हो तो वो जरूर डालना। मैं डालना भूल गया था क्योंकि मैं बहुत चीजें भूल जाता हूँ, आप बिल्कुल मत भूलना। और एक बड़ा चम्मच आपने नमक का डालना है। जैसे ही पानी और बॉईल होने लग जाए, आप यहाँ पर चावल डाल देना। ये जो मसाले हैं ना, खड़े मसाले, इस चावलों के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट ला कर देंगे, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट। ये खड़े मसाले आप डायरेक्टली सब्जियों को पकाते हुए भी डाल सकते हो, लेकिन चावल के साथ डालने से चावल के अंदर तक फ्लेवर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चावलों को आपने स्टर नहीं करना बिल्कुल भी। जब तक बॉईल आना शुरू ना हो ना, चावल थोड़े से सेट ना हो जाए, आप इनको स्टर मत करना बिल्कुल भी। जब बॉईल आना शुरू होगा तभी आपने फिर स्टर करना है। आप देख लेना कि चावल कैसे पक रहे हैं और इवनली पके, इसलिए आप इसको स्टर कर लेना। लगभग थोड़ी देर में ही आप देखना चावल लगभग 80% तक पक चुके होंगे। ये देखो चावल पूरे नहीं पके हैं, अभी हल्के से कच्चे हैं। आप खा कर देखोगे तो आप 100% समझ जाओगे। ऐसे दिखाने से शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप खा के देखोगे तो चावल थोड़े से कच्चे होने चाहिए। और बस ऐसे ही स्ट्रेन करके आपने इसको बिरयानी में ट्रांसफर कर देना है। वो जो गोभी हम भुन रहे थे ना सब्जियों के साथ, उसमें आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देना। अच्छा, अब हमें लेयरिंग भी करनी है। तो चावल की पहली लेयर के ऊपर आप यहाँ पर केसर वाला दूध डाल देना, जो हमने बिरिस्ता बनाया था वो लगभग सारा डाल देना, थोड़ा सा ही छोड़ना, लगभग सारा ही डाल देना। मैंने यहाँ पर धनिया भी डाला है, और इसके बाद मैंने लास्ट लेयरिंग डाली है चावल की, उसके ऊपर बिरिस्ता, थोड़ा सा धनिया। ये है भाप, यानी कि वो पानी जिसमें मैंने चावलों को उबाला है। 1 कटोरी पानी वो मैंने यहाँ पर डाला है। अगर वो आपने सेव नहीं किया तो कोई नहीं, आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो। साथ में आएगा बिरयानी मसाला, ऊपर से मैंने घी डाला है, और आखिर में बिरयानी की जान
वो है केवड़ा वाटर। ये आपको दोस्तों अमेजोन पे बहुत आराम से मिल जाएगा। ये खुशबू के लिए काम आता है और बिरयानी का स्वाद बहुत एनहांस करती है ये छोटी सी खुशबू। ये आप यहाँ पर डालना बस, अब फटाफट से आप इसको कवर करना और इसको 10 से 12 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर दम पर पकने देना। एकदम लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट इसको बिल्कुल भूल जाना, बिल्कुल आँख बंद करके। अब 10 से 12 मिनट बाद मैंने एक तवा रखा है नीचे और उसके ऊपर बिरयानी को ट्रांसफ़र किया है और इसको भी एकदम लो फ्लेम पर छोड़ दिया है ताकि एकदम हल्की सी आँच हो। हल्की सी आँच में एकदम दम पे सब्जियाँ पकेंगी तो बहुत ही बढ़िया निकल कर आएंगी। और इसको ऐसे आप 15 मिनट तक छोड़ देना। 15 मिनट के बाद सबसे पहला काम आपने करना है कि साइड से आप करछी मारना और देखना पानी तो नहीं बचाना नीचे। और गोभी और आलू आप एक बार ही चेक कर लेना। आप देखो मेरे तो कितने बढ़िया तरीके से गले हुए हैं, है ना दोस्तों। तो बस दोस्तों यही थी कहानी गोभी बिरयानी की। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ये पुलाव से। आप इसको एक बार बना कर देखना तभी आपको समझ में आएगा। और आप खुद ही देख सकते हो कि गोभी का टेक्सचर ही अलग है। गोभी नहीं, आलू हो, गाजर हो, इनफैक्ट बीन्स हो, टेक्सचर ही अलग है। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है।